जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में। करवा चौथ का दिन है और ऐसे में शाम के समय विधि विधान से पूजा करना और उसके बाद व्रत कथा को सुनना बहुत अनिवार्य होता है। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से और सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जो सभी की लाडली थी। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी, जहां उसे अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर बहन लाडली थी, भूखे प्यासे रहने की उसे आदत ही नहीं थी, तो शाम होते होते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। वहीं सभी भाई जब खाना खाने बैठे और उन्होंने अपनी बहन से खाने का आग्रह किया, तो बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो सिर्फ चांद देखने के बाद, उसे अर्घ देने के बाद ही खाना खा सकती है। सभी भाई अपनी बहन की इस हालत को देखकर बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा, ये चांद आखिर निकलेगा कब, कोई भरोसा ही नहीं है। तब उनमें से एक की पत्नी ने कहा कि आज के दिन तो चांद बड़ी मुश्किल से निकलता है, अब देखो कब निकलता है, जब निकलेगा तभी हम सब और आपकी बहन भी खाना खा पाएंगे और पानी पी पाएंगे। बाकी भाई तो ठीक है, पर सबसे छोटे भाई की ये सबसे लाडली बहन थी और उससे ये देखा नहीं गया कि उसकी बहन इस तरह तड़प रही है। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक दीपक जलाया और दूर पीपल के पेड़ के पास जाकर चलनी की ओट में उस दीपक को रख दिया। दूर से देखने पर वह चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन के पास गया और उससे बोला, देखो देखो चांद निकल आया है, जाओ जल्दी से उसे अर्घ दो और पानी पीकर खाना खा लो। बहन ने जैसे ही चांद को देखा वो बहुत खुश हो गई, पर भाभियों को अंदेशा हो गया कि देवर ने कुछ तो गड़बड़ किया है। उन्होंने अपनी ननंद को चेताया कि कुछ तो गड़बड़ है, अभी तुम अपना इस तरह व्रत मत तोड़ो। पर बहन तो बहन, अपने भाई पर उसे भी पूरा भरोसा। वो बोली, अरे चांद तो निकल आया है, बस अब तो मैं अर्घ दूंगी और खाना खा ही लूंगी, मुझसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाभियों के समझाने के बावजूद ननन ने झूठा चांद देखा और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला मुंह में डालते ही उसमें बाल निकल आया। जैसे ही वो तीसरा निवाला मुंह में डालने को हुई, तो उसके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। ये सुनते ही वो बौखला गई। तब उसकी भाभी ने उसके भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताई और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ ये बताया। तब करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता नाराज हो गए हैं, ऐसा उसकी भाभी ने उसे बताया। सच्चाई जानने के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। पूरे एक साल तक अब वह अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली घास को एकत्रित करती रही। एक साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। तब सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत किया और जब उससे आशीर्वाद लेने आती, तो वह प्रत्येक भाभी से, यम सुई ले ले, पी सुई दे दे, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो भाभी, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी की बारी आई, तो उससे भी उन्होंने यही कहा। तब भाभी ने उसे बताया कि चूंकि छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही ये शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए अब जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे छोड़ना नहीं। पर ये कहकर भाभी चली जाती है। अब अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करके टालने लगती है। ये देख करवा अब उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खसोटती है, लेकिन करवा उसे किसी कीमत पर छोड़ती नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी के साथ साथ ईश्वर का भी मन पसीज जाता है। तब कहते हैं कि उसकी छोटी भाभी ने अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दिया। तब करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ जीवित हो गया। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग फिर वापस मिल गया। इस तरह से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ रखने लगी और करवा चौथ पर शिव जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार की पूजा की जाने लगी। तो आप भी अगर अपना सौभाग्य चाहती हैं, अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं, अपने पति का साथ चाहती हैं, तो पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखिए। जय माता दी।